अब हम करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम सीरीज पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। सीरीज पैरामीटर मतलब जो हमारा सीरीज बाइंडिंग का रेसिस्टेंस और बाइंडिंग का रिएक्टेंस, ठीक है, ये वाला सीरीज पैरामीटर। ये इसमें आर जीरो और एक्स जीरो नहीं देते हम, क्योंकि हम जो वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं बड़ी कम वोल्टेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम याद क्या रखना, हमने सीरीज पैरामीटर इसमें निकालते हैं हम, और कॉपर लॉस निकालते हैं। ओपन सर्किट में क्या निकालते थे, पैरेलल पैरामीटर निकालते थे। पैरेलल पैरामीटर मतलब आर जीरो और एक्स जीरो निकालते थे ओपन सर्किट टेस्ट में। लेकिन अब सीरीज टेस्ट में हम क्या कर, इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या निकालते हैं, ये वाले आर ओवरऑल रेजिस्टेंस और ओवरऑल रिएक्टेंस मतलब इंडक्टेंस, ठीक है, मतलब ये वाले आर जीरो वन और एक्स जीरो वन। उस केस में क्या निकालते थे, आर जीरो और एक्स जीरो निकालते थे ओपन सर्किट में, और सीरीज में क्या निकालते हैं, आर जीरो वन और एक्स जीरो वन, ठीक है। ये चीज आपने याद करनी है, मतलब सीरीज शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या निकालेंगे, आर जीरो वन और एक्स जीरो वन निकालेंगे, क्योंकि आर जीरो वन किसके बराबर होता है, प्राइमरी रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी रेजिस्टेंस व्हेन रेफर टू प्राइमरी, ठीक है। फिर एक्स जीरो वन क्या है, टोटल सीरीज रिएक्टेंस जो है एक्स प्राइमरी रिएक्टेंस प्लस सेकेंडरी रिएक्टेंस रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स प्राइमरी साइड, ठीक है। तो ये है, अब निकालते कैसे हैं, हम निकालते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, जो हाई वोल्टेज साइड है उस साइड लगाते हैं हम मीटर। प्राइमरी केस में क्या थे, ओपन सर्किट में क्या करते थे, ओपन सर्किट में हम सेकेंडरी साइड क्या थी, हाई वोल्टेज साइड थी। इस केस में क्या है, हमारी प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज साइड है, ठीक है, और सेकेंडरी साइड क्या है, हमारी लो वोल्टेज साइड है। सेकेंडरी साइड में क्या है, लो वोल्टेज साइड, ठीक है। इस केस में, पुराने वाले केस में हमारे लो वोल्टेज साइड में सारे इंस्ट्रूमेंट लगे थे, इस केस में हाई वोल्टेज साइड पे हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, वाट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर लगा, ठीक है। ये इनकी जरूरत नहीं है, सीरीज साइकिल में एमीटर लगाना लगा सकते हैं, बाकी इसकी भी जरूरत नहीं है, एमीटर भी मतलब होंगे, क्योंकि ये वाला करंट भी इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट करना है, सेकेंडरी को शॉर्ट करना है विद अ वेरी थिक वायर, क्योंकि ड्यू टू ट्रांसफार्मर एक्शन जो इसका ट्रांसफार्मर रेशियो में अगर देखेंगे, ई हाई अपॉन ई लो मतलब वोल्टेज लो इज इक्वल टू इसके अंदर आई लो और डिवाइडेड बाय आई हाई के बराबर है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हाई वोल्टेज साइड में 100 वोल्ट है और प्राइमरी साइड में 50 वोल्ट है, तो जो आई लो होगा वो हमारा 2 एम्पीयर और आई हाई होगा 1 एम्पीयर। तो लो वोल्टेज साइड में करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इधर जो है तार लगानी, मोटी तार के साथ हमें शॉर्ट करना है इसको, जो सेकेंडरी होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वाट मीटर लगेगा, एमीटर लगेगा और वोल्ट मीटर लगेगा। इधर जो एमीटर होगा, ये हमारी कौन सी रीडिंग शो करेगा, ये आई एस सी शो करेगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इधर जब शॉर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इधर करंट रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट क्या होगा, ये आई शॉर्ट सर्किट करंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज भी इधर सेम रिफ्लेक्ट होगा, तो वोल्टेज हमारी शो होगी, शॉर्ट वोल्टेज वाई वो इधर आ गई शो, ठीक है। इस केस में भी हमारे पास रीडिंग आ गई। अब क्या है, दूसरी क्या है, हमें जो इसमें रेटेड करंट देना है, ठीक है, 5-12% देना है, कितना, 5-12% के करीब देना, 5-12% के हिसाब से करंट देना, मतलब अगर 100 एम्पीयर है किसी ट्रांसफार्मर के रेटेड करंट, कितना रेटेड करंट 100 एम्पीयर है, हमें 5-12 एम्पीयर ही देना, कितना 5-12 एम्पीयर ही इसमें करंट देना। वो कैसे देंगे, वेरी एक से देंगे, वेरी एक से, जैसे हमने इधर एमीटर लगाया, ठीक है, एमीटर में देखना है, जैसे हमारा 12 अगर 100 एम्पीयर के इसकी फुल रेटेड करंट है 100 एम्पीयर, तो हमने देखना मीटर पे 12.5 एम्पीयर का आ रहा है। जैसे 12.5 एम्पीयर आएगा वहां पर इसको रोक देना वैल्यू को, ठीक है, 12.5 एम्पीयर आ गया, उसके बाद हमने इसकी वाट मीटर की रीडिंग लेनी है, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज की रीडिंग लेनी है, कितना शॉर्ट सर्किट वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद हम अपने कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। ये आ गया। अब दूसरी चीज नोट करने वाली है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, सिर्फ वोल्टेज बहुत लो हो रही है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 3-4-5 एम्पीयर 3-4-5 वोल्ट के आसपास ले रही है, वोल्टेज बड़ी कम यूज़ कर रहे हैं। जब वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो आयरन लॉसेस होंगे बड़े कम होंगे, ठीक है ना। यही हमने लिखा होगा, सिंस वोल्टेज अप्लाइड इज वेरी लो, मैग्नेटाइजेशन करंट भी बहुत कम होगा, हैंस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट्स कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। तो इसके अंदर आर नोड और एक्स नोड को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज बड़ी कम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 3-10 वोल्ट के आसपास होगी, इसके बीच में वोल्टेज होती है, इसमें यूज करते हैं करंट है 12.5 एम्पीयर तक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तो 5-12% ही यूज करना है हमने रेटेड करंट। तो इसमें क्या शंट पैरामीटर्स हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो
इसका मतलब हमारा जो वाट मीटर है वो शो करेगा, हमारा ये वाला वाट मीटर शो करेगा कॉपर लॉसेस, क्या शो करेगा, कॉपर लॉसेस शो करेगा, ठीक है। कॉपर लॉसेस का फार्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर है, ठीक है ना, ये क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है कॉपर लॉस। तो आई क्या है, आई शॉर्ट सर्किट करंट है, तो शॉर्ट सर्किट करंट है हमारा आई स्क्वायर, तो आर जी, आर जीरो बन गया। आर हमारा सीरीज पैरामीटर है किसका, रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस का क्या पैरामीटर है, सीरीज पैरामीटर, जो किसके बराबर है, प्राइमरी रेसिस्टेंस प्लस सेकेंडरी रेसिस्टेंस अपेक्टेड टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड, ठीक है ना, आर जीरो वन है हमारा। तो ये आ गया हमारे पास आई आर सी स्क्वायर आर जीरो वन, ठीक है। तो जेड जीरो वन किसके बराबर होगा, अब इन दोनों को हम कैसे ले सकते हैं, इन दोनों को हम जेड भी ले सकते हैं, इसको अगर और इस सर्किट को अगर हम बहुत और रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये क्या है, जेड के बराबर होगा, ये हमारा टोटल किसके बराबर होगा, ये हमारा जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या होगा, जेड जीरो वन, जेड जीरो वन किसके बराबर होगा, बी अपॉन आई होता है ना, ओम्स लॉ क्या होता है, बी वाई आई होता है, तो यही आ गया हमारा ओम्स लॉ के हिसाब से, बी शॉर्ट सर्किट डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट क्या देगा, और ओवरऑल हमारी टोटल इम्पीडेंस इतनी होगी ट्रांसफार्मर की, वो हमें मिल जाएगी। अब निकाला एक्स जीरो वन, एक्स जीरो वन, एक्स जीरो वन क्या होगा, जेड जीरो वन माइनस आर जीरो वन का अंडर रूट, उसके बराबर होगा एक्स जीरो वन, ठीक है ना। और बोलोगे आर जीरो वन कहां से आया, आर जीरो वन यहां से आया हमारा वाट मीटर की जो रीडिंग होगी डिवाइडेड बाय आई शॉर्ट सर्किट की, तो निकल जाएगा हमारा आर जीरो वन इसके बराबर होगा, ठीक है। वाट मीटर की रीडिंग से हमारा आर जीरो वन निकल जाएगा, उसके बाद जेड जीरो वन निकल गया। तो एक तरह से क्या क्या निकाला हमने, हमने निकाला है तो आर जीरो वन निकाला सबसे पहले, उसके बाद क्या निकाला, एक्स जीरो वन, उसके बाद जेड जीरो वन, तीनों पैरामीटर निकाल दिए। इसके बाद हम एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ट्रांसफार्मर। इसमें दो चीजें नोट करने वाली है, एक तो इसमें सेकेंडरी क्या है, लो वोल्टेज साइड, ठीक है, लो वोल्टेज साइड को हम सेकेंडरी रखेंगे, और लो वोल्टेज साइड क्या है, सेकेंडरी साइड हमारी क्या होगी, शॉर्टेड होगी विद द थिक वायर, ठीक है। इधर कोई मीटर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके जो रीडिंग है वो इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एमीटर क्या शो करेगा, इधर शॉर्टेड करंट शो करेगा। वोल्ट मीटर क्या शो करेगा, इधर क्योंकि ये शॉर्टेड है तो ऑटोमेटिकली इधर जो वोल्टेज शो होगा वो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगा शो, क्योंकि अभी हमने सारे फार्मूले इसी साइड लगा रहे हैं, सारे की सारी चीजें हम इसी साइड रिफ्लेक्शन में यूज कर रहे हैं ना, इसलिए वोल्ट मीटर और एमीटर में हमने इसी वाला यूज करना है। उधर भी लगा सकते हैं लेकिन लगाना नहीं है क्योंकि सब कुछ हमने प्राइमरी साइड ही रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो प्राइमरी साइड के ही पैरामीटर हम ले रहे हैं सारे, क्योंकि आर जीरो वन एक्स जीरो वन क्या है, प्राइमरी साइड है, तो प्राइमरी साइड की ही हमने वोल्ट मीटर और करंट मीटर यूज कर रहे हैं, मतलब एमीटर यूज कर रहे हैं, और प्राइमरी साइड का ही वाट मीटर की रीडिंग लेनी है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली साइड अट्रैक्ट हो जाएगी। बस दूसरी चीज क्या है, आपने 5-12% ऑफ रेटेड करंट देना है, ठीक है। तो रेटेड करंट देना है, जैसे बताने वाला 12% रेटेड करंट आएगा उधर आपने वोल्टेज वैल्यू को स्टॉप कर देना और वोल्टेज आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद क्या, आई स्क्वायर आर का हमने फार्मूला लगाना है, आर जीरो वन निकल जाएगा इधर से, आर जीरो वन के बाद हमने क्या निकाला, जेड जीरो वन ओम्स लॉ लगाएंगे, वी शॉर्टेड अपॉन आई शॉर्टेड के ओम्स लॉ लगाने से हमें जेड जीरो वन मिल जाएगा, जेड जीरो वन भी मिल गया, आर जीरो वन भी निकल गया, तो उससे हम एक्स जीरो वन निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे पैरामीटर मिल गए हमें, हम एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, कैसे इसको करते हैं, है क्या, ये बेसिकली इसका जो सर्किट है ये वाला सर्किट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंडरी भी हमारी किस साइड शिफ्ट होगी, प्राइमरी साइड में शिफ्ट होगी, ठीक है ना, प्राइमरी साइड शिफ्ट होगी तो हमारे सारा पैरामीटर जो है सीरीज पैरामीटर एक साइड में ले रहे हैं हम, प्राइमरी साइड में ले रहे हैं, तो वहीं पर ये वाला सर्किट हमारा ये वाला बना, उसके बाद ये वाला बना, ठीक है। ये था हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जिसमें सीरीज पैरामीटर निकालते हैं आर जीरो वन एक्स जीरो वन, ठीक है, और जेड जीरो वन। तो ओपन सर्किट में क्या निकालते थे, आर जीरो और एक्स जीरो शंट पैरामीटर निकालते थे, इसमें सीरीज पैरामीटर, तो बस इतना ही था।